मेरा जमा रहा, चाहे भले मुझे सफलता मिली हो या ना मिली हो, मुझे यहां से विश्वास था आज नहीं तो कल जसवीर अगर इस दुनिया में अगर आया है तो सिर्फ डायमंड बनने के लिए पैदा हुआ है। मैं मर सकता हूं लेकिन डायमंड बने बिना रह नहीं सकता, ये मेरा विश्वास था। हम लोग यहां पे आते हैं, यहां आके तमाम सर्टिफिकेट मांगते हैं, कंपनी का 10 नंबर 10 नंबर रजिस्ट्रेशन, अपलाइन की कुंडली, राहु केतु ग्रह सब नक्षत्र चेक करते हैं। हेलो, 8,000 रुपये ली दिए, खरीद थोड़ी ना लिया है। फिर भी सवाल, दो जोड़ी कोट पेंट घर आगे पहन के जाना बरात में, भाई साहब लोग सर जी कहेंगे, इज्जत फ्री में मिली है, प्रिविलेज है कंपनी का। नॉर्मली कच्चा बनाने में चले जाओ लोग भाई साहब भगोना पकड़ा देंगे धोने के लिए। ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट इतना दमदार है कि इसको पहन के जाते हैं कोई भगोना नहीं देगा आपको, देगा क्या कोट पेंट वाले को? हेलो, अनपढ़ आदमी भी कोट पेंट पहन के रहे तो उसे सर जी कहते हैं लोग। ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट इतना दमदार है, फिर भी लोग क्या बोलते हैं, मेरे को विश्वास नहीं है। मैं उन लोगों को देखता हूं, वो यहां इतने गोरे चिट्टे लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे और वो जिंदगी में न जाने कहां कहां कैसे कैसे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रेन में सफर किया है, रेलगाड़ी? कितने ऐसे लोग हैं जो पहले इंजन में जाके चेक करके आते हैं, इसे आदमी चला रहा है या बंदर? कोई है? क्या करते हैं अपन? अपनी बर्थ देखते हैं और विश्वास करके चद्दर तान के सो जाते हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या होता है वहां पे? विश्वास। क्या होता है जी? पहुंचा देगी इंदौर से चलिए तो पटना, हाँ जी, पहुंचा देगी देगी आजमगढ़ से चली है तो दिल्ली। क्या होता है? क्या होता है वो? कभी कभी होता है सर, बहुत सारी बातें समझा के खुद को चढ़ जाते हैं। सीट नहीं मिली हो जनरल में भी धक्का मुक्की करके, इतनी सी जगह नहीं, कहीं इधर उधर खुजली भी हो रही हो तो नीचे हाथ ना आए, वहां भी जाते हैं। किसके कारण? ट्रेन में चढ़े हैं कि ये ट्रेन मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, बस मैं इसमें कैसे भी चढ़ जाऊं। यस या नो? कितने लोगों ने बस में, रोडवेज बस में सफर किया है? आप में से वही लोग हाथ ऊपर रखना जो पहले जाके ड्राइवर से बातचीत करते हैं कि आपका लाइसेंस ठीक है, आप दारू तो नहीं पीते? हेलो, पूछ के आते हैं भाई साहब, गारंटी। मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूं, परिवार का, अपनी बीबी का अकेला पति, पहुंचा देगा। क्या पता आज मूड में है वीर और आज बस लहरा लेके चलेगी, क्या कर लोगे? रोडवेज लहरा लेती है कि नहीं? क्या होता है वहां पे? विश्वास। कितने लोग हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया है, ढाबे में, रेस्टोरेंट में? वही लोग हाथ ऊपर रखना जो किचन में चेक करके आते हैं खाना कैसे बन रहा है, कहां कहां से पसीना आ रहा था, किधर किधर खुजाया, ऑर्डर कर दी, नान ले आ, शाही पनीर, मैडम को बोले खा ले, पार्टी आज पार्टी। क्या होता है? क्या होता है जी? सही बनाया होगा, सही बनाया होगा। वहां रिक्शे में जाते हैं, हेलो, छोड़ देना अगले चौराहे पे, साला पौआ चढ़ा गया है, आज मूड नहीं है उसका ब्रेक लगाने का, ठोक दे। उससे नहीं पूछा MBA हूं, डिग्री है कि नहीं तेरे पास, रिक्शा वाले पढ़े लिखे आदमी को लेके जा रहा है, पूछा नहीं। यहां एक आदमी आ रहा है, बोल रहा है सर मैं आपके साथ में हूं, मिलके काम करेंगे। मेरे को शक हो रहा है, मेरी सफलता का एक ही राज है कि मेरे अंदर शक नहीं है, मैं शक नहीं करता। और शक वही आदमी करता है जिसके अंदर खुद पे, अपने आप पे भरोसा नहीं होता। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है और मेरे साथ जो लोग आएंगे वो भी सही हैं और ईश्वर मेरे साथ में है, मेरे साथ अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा।
क्या आपको इस बात का विश्वास है? यस या नो? विश्वास करके सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ, काम करो, मेहनत करो। मेहनत में कंजूसी नहीं करनी, और जो लोग मेहनत में कंजूसी कर जाते हैं, अपलाइन के आदेश का पालन नहीं करते, उनका क्या होता है? मूर्ति के पत्थर की कहानी कितने लोगों ने सुनी है कि एक सीढ़ी का पत्थर था, एक मूर्ति का था। सुनिए ना। अच्छा, उसका नया वर्जन सुना देता हूं, लेटेस्ट वर्जन। हेलो, पत्थर दो ही थे, कारीगर एक था। पहले एक पत्थर को लिया और उसमें छेनी हथौड़ा मारना शुरू किया। पत्थर बड़ा समझदार, पोस्ट ग्रेजुएट, बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, कारीगर साहब, एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं झेल सकता, हेलो, आप ये कब तक छेनी हथौड़ा चलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हटाइए हटाइए। तो कारीगर क्या करेगा, ज्यादा चोट नहीं झेल पा रहा, उसके हिसाब से उसको रख दिया कि तेरे स्थान पे तुझे लगा देंगे। दूसरे पत्थर को चुना कारीगर की, उसने लगातार छेनी हथौड़े की चोट झेली, मूर्ति का रूप लिया, और मूर्ति बनाने के बाद उसको मंदिर में स्थापित किया। उसके बाद नंबर उसका था जो एक्सक्यूज मी वाला था। कौन सा वाला? बोले यार, इसको भी कहीं ना कहीं सेट तो करना है, जगह समझ में नहीं आ रही थी, मूर्ति के सामने ही लगा दिया, चबूतरे पर फिट कर दिया। मंदिर का उद्घाटन हो गया और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, लाइन लगा करके श्रद्धालु आने लगे, और हाथ में नारियल था। सोच रहे हैं ये नारियल तोड़े कहां, तोड़ा तो है नहीं, सामने चिकना पत्थर है, और लेकर के धड़ाम, दूसरा आया धड़ाम। अभी पत्थर सोच रहा है कुछ दिन कारीगर की चोट झेल लेता तो ये जिंदगी भर नारियल नहीं टूटते मेरे ऊपर। हाँ जी, कारीगर की चोट झेलना बढ़िया है, जिंदगी भर नारियल तोड़वाने। हेलो, जो अपलाइन के रेडार से बाहर जाते हैं ना, पड़ोसी, इधर उधर के तमाम नारियल उन पर टूटते हैं। याद रखना, मूर्ति बनने में फायदा है, चबूतरे में लगने में कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, तैयार हैं? क्या कीमत है इसकी, डायमंड चिप की क्या कीमत है? सर ने बताया, नेम सिंह सर ने बताया, ओम भी सर ने बताया, सैलेन सर ने बताया, टारगेट, टारगेट कर लो, और छोटे छोटे टारगेट जीतो, पर बड़ा टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। छोटा टारगेट बताया, 30 पेयर का ही कर लो, मैं बोल रहा हूं 30 पेयर वाले भी तो जाएंगे सर अमृतसर, क्या दिक्कत आ रही है? पेरिस का नहीं, 30 का ही कर लो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं एक बात बोलता हूं, मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला था, श्री विजयपाल सर ने, याद रखना टाइगर, सब रोगों की एक दवाई, टारगेट कर लो मेरे भाई। क्या बोला? सब रोगों की एक दवाई। क्या आवाज है, 1000 लोगों की। सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई। क्या टारगेट करने के लिए तैयार हैं? यस या नो? सर ने 6 फायदे बताए थे, 2 और ऐड कर लो, 2 बता रहा हूं, सॉइलेड वाले। एक तो ये, टारगेट करने से पोलियो नहीं होता, बहुत लोग इस बात से परेशान है, सर एक तो चल गई, दूसरी नहीं चल रही, सर एक तरफ तो आ गया वीर बहादुर, इधर नहीं आ रहा सर कोई, एक ओमवीर सर जैसे आइटम की आत्मा ही आ जाए इधर किसी की, तो ही मेरी ये दूसरी चल जाए। हेलो, मैं बोलता हूं एक बार वो आत्मा आप खुद में घुसा लो, और एक बार दमदारी के साथ ये टारगेट जीत जाओ, आपकी दोनों मेंटेन चलेंगी, पोलियो नहीं होगा। मैंने टारगेट किया, आज तक भी पोलियो का शिकार नहीं हूं। अगर इधर एक मरकरी तो मरकरी एक इधर भी है, टनाटन चलता है। आप चाहते हो ऐसा? यस या नो? दूसरा फायदा, विटामिन एम।
विटामिन एम की पूर्ति होती है सर। ए सुना, बी सुना, सी सुना, डी सुना, एम कहां से आ गया? विटामिन ए के क्या नुकसान है, बी के क्या नुकसान है, उससे क्या साइड इफेक्ट है, मुझे नहीं पता। एम का डॉक्टर हूं मैं, बताता हूं एम के क्या नुकसान है। जानना चाहते हैं? अगर विटामिन एम की कमी हो तो पत्नी बोलते क्या आइटम है, पता नहीं कहां से आ गया मेरी जिंदगी में। विटामिन एम ना हो बच्चे बोलते क्या पापा ए। विटामिन एम ना हो पड़ोसी भी तेज आवाज में बात करता है, सेंटर में रह तेरी औकात मुझे पता है। विटामिन एम ना हो शादी में जाओ कोई पूछता नहीं, साला रायता पी के लौट आता है। और विटामिन एम हो तो, विटामिन एम हो तो मैडम आती है स्टेज पे, माइक पे बोलती है 7 जन्म भी अगर मैं लूं तो मुझे यही वाला पति चाहिए, अगर 8वां भी जन्म मिले तो भी यही वाला चाहिए। थैंक यू। और बच्चे क्या बोलते हैं, हमारा हीरो अक्षय कुमार या सलमान खान नहीं है, हमारा हीरो तो हमारे पापा हैं। पड़ोसी क्या बोलता है, हम कहां रहते हैं, हम वहीं रहते हैं जहां वो आपके काली गाड़ी वाले डायमंड साहब रहते हैं, हम वहीं रहते हैं। पार्टी में जाओगे, पार्टी में जाओगे तो लोग दूल्हे को भूल जाते, साला दूल्हा भी पीछे पीछे आता है, गुरुजी आप आ गए, प्लेट पीछे पीछे रहती है, लोग देखते साला ये कौन आ गया, लोग बताते हैं इस पे एम है, विटामिन एम। आप चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? एम का मतलब क्या है, क्या है? मनी। और टारगेट करोगे तो लेवल के हिसाब से आएगा। मैं बता दूं कंपनी जो टारगेट देती है ये मैक्सिमम नहीं है, ये आपके लेवल का मिनिमम काम है। और जितने लोग यहां पे बैठे हैं मुझे भरोसा है आप सब टारगेट जीतेंगे। यस या नो? यस या नो? आप चाहते हैं ये टीम सर लोगों के लेवल पर तो नंबर वन है, लेकिन आपके लेवल पर ये टीम नंबर वन हो, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? आप इस टीम के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? खून देंगे, पैसा देंगे, जान देंगे? मालूम है आपको मैं मांगूंगा नहीं, इसलिए कई लोग तो बोल भी नहीं रहे। एक चीज चाहिए, अपना अपना टारगेट, अपना अपना टारगेट। कितने लोग हैं खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, जो कुछ भी हो जाए इस बार टारगेट होके रहेगा, होके रहेगा। यस या नो? यस या नो? मैं बोलता हूं हे ऊपर वाले, इधर इनका जरूर करवाना, किसी का रह जाए कोई टेंशन नहीं है। आप लोग तैयार हैं? ऊपर वाला भी तैयार है। हे परमात्मा आज इनका सबका टारगेट जरूर करवाना, ये दमदार लोगों में से एक हैं, खास तौर से जो खड़े हुए उनका तो जरूर करवाना। दोस्तों इस टीम में आकर के मैं खुद मोटिवेट होकर के जा रहा हूं, और मैं ये वादा करता हूं ये टीम जब जब मेरे को जहां जहां याद करेगी, जसवीर आपके साथ में है, मिलकर के इतिहास बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर वन बनाएंगे, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन बनाएंगे। यस या नो? क्या आप हमारे साथ हैं? यस या नो? दोस्तों मैं आपके साथ हूं, और विनर हमेशा कमिटमेंट करते हैं, और कमिटमेंट लो मुट्ठी बंद करके लाउडली इस एक आवाज में मिल के बोलना है, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड।